हाय फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल किसान हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाई, यहाँ पे हम मसूर के खेती के बारे में बात करने वाले हैं और आप यहाँ देख सकते हैं जो मसूर का पौधा लगा हुआ है, यानी कि फसल लगा हुआ है। और यहाँ पे जो किसान भाई के द्वारा खेती की गई है, यहाँ पे डबल खेती की गई है। यहाँ पे मसूर के साथ साथ सरसों की भी खेती की गई है। और यहाँ पे देखिए, मसूर की भी खेती बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे सरसों का भी फलियाँ लगी हुई हैं और सरसों का फसल भी, ये भी अच्छा है। तो किसान भाई, जो लोग डबल खेती किए हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यहाँ पर आगे भी दिखाऊँगा कि जो जो यहाँ पर फसल है यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ भी हुआ है पौधे में, और जो भी खाद सामग्री का प्रयोग किया गया है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और कौन कौन से आप यहाँ पे स्प्रे करेंगे, कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ेगा जिससे आपके आपके पौधे में ग्रोथ हो सकता है, और उसके साथ ही आपका पौधा भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और एक स्प्रे के साथ आपका जो है सरसों का फसल भी सुरक्षित रहेगा और आप मसूर के भी पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाई, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और से ऐसे भी पौधे हैं जिसमें रोग लगा हुआ है, मैं कैमरे को जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, इसमें सरसों का जो पौधा है इसमें जो लाही के नाम के जो कीट होते हैं वो लगे हुए हैं और पूरे पूर्ण रूप से जो पौधा है उसको प्रभावित किए हुए हैं। तो ऐसा कौन सा कीटनाशक दवा है जिसको आप स्प्रे करेंगे तो आपका मसूर का पौधा भी सही रहेगा और सरसों का पौधा जो भी ऐसे ग्रस्त हुआ है वो भी सही रहेगा? तो आपको एक ही स्प्रे करना है जिससे आपका दोनों फसल के लिए लाभ होगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो किसान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके उस पर आल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो गए। तो किसान भाई, यहाँ पे देखिए जो भी फसल लगा हुआ है फसल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और सुरक्षित भी है, अब पौधे में जो है वृद्धि भी हुई है। और देखिए, यहाँ पे मसूर के पौधे में फूल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे फूल आपको आसानी से दिख रहा होगा, कैमरे में पास में लेकर जाऊँगा। तो कुछ ऐसे भी पोषक तत्वों की जरूरत होगी जिससे मसूर में फूल आना स्टार्ट होता है, तो आपको उस पोषक तत्व का छिड़काव करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो जो पोषक तत्व का छिड़काव करने के लिए बताऊंगा, तो आपका जो है सरसों का फसल लगा हुआ है उसके लिए भी लाभदायक होगा और आपका मसूर की खेती जो लगी है उसके लिए भी लाभदायक होगा। तो किसान भाई, यहाँ पे जो भी आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आप डबल खेती किए हुए हैं तो एक ही स्प्रे में दोनों को लाभ हुए, तो इस बात को आप ध्यान रखें ताकि आपको आप एक फसल के लिए आप यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं तो आपका एक ही फसल आपका ग्रोथ होगा, एक फसल का आपको जो है नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर दो दो लाभ मैं आपको दिलाने वाला हूँ, आप बिल्कुल घबराइए मत। और मैं आपको बता दूं कि अब ऐसे भी इस कंडीशन में आपको खेती किए हुए हैं तो आपको घबराना नहीं है, इस चैनल पर आप बने हुए हैं तो आपको सारा सलूशन बताया जाएगा। किसानी संबंधित सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है, आपको कोई भी सलूशन हो समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई के माध्यम से भी बता दिया जाएगा आपको या वीडियो के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। तो किसान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्या क्या लेना है उसके भी बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ फूल लगे हुए हैं, कुछ फलियाँ लगी हैं सरसों के पौधे में, और अब यहाँ पे कुछ कीड़े भी लगे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको लेना है उसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये पौधा जो है ग्रोथ अवस्था में है, यानी कि इसमें फूल अभी आ नहीं रहे हैं, कहीं कहीं फूल आ रहे हैं। तो इस अवस्था में आपको क्या क्या करना चाहिए? तो किसान भी देखिए, आपके जो मसूर का पौधा है ग्रोथ अवस्था में है तो इस कंडीशन में आपको ह्यूमिड या चेरी प्लस लेना है। अब यहाँ पे ह्यूमिड या चेरी प्लस, ये दो ऐसे दवा है जो सरसों के लिए काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। तो इसमें क्या मिलाएं ताकि आपको सरसों का पौधे के लिए भी आपका लाभदायक होगा? तो इसमें आपको क्या करना है कि कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, ये दो दवा लेना है, और चेरी प्लस और ह्यूमिड में से किसी एक को आप चूज कर लीजिए, उसके बाद से वो दोनों को मिलाकर और एक कीटनाशक ले लीजिए। कीटनाशक मार्केट में बहुत सारी कंपनी का आता है, कोई भी एक अच्छे से चुनाव कर लीजिए। जैसे परफेक्ट सुपर आता है या सुपर परफेक्ट करके आता है, सेल्ड्रिन आता है और सेगडान आता है, आप इसका चयन कर सकते हैं। और साथ में एक आता है सुपर बोल्ट, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी एक कीटनाशक का प्रयोग करके आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय आप इसको ध्यान रखें कि हाथ में ग्लव्स लगा लें, प्लास्टिक का जो ग्लव्स आता है या कोई भी ग्लव्स आता है, सुरक्षित त्वचा के लिए आपका हानि नहीं पहुँचाएगा। तो आप उसको जब छिड़काव करते हैं तो ये कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का कार्य क्या होता है कि जब सूर्य प्रकाश पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती है तो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, ये क्या होता है कि सरसों के जो फलियाँ हैं, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आसानी से आपको दिख रहा होगा, तो इस फलियों में जो बीज हैं, जो दाने होते हैं सरसों में, जो आप दाने दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, इसमें जो दाने आते हैं ये दाने बिल्कुल क्या है कि अच्छे तरह से इसका विकास हो जाएगा। ये देखिए, इसे ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो इसमें जो दाने का विकास होगा, तो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आप ले सकते हैं। और ये सरसों जो है यहाँ पे फूल आता है तो फूल के लिए आप यहाँ पे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले लिए, उसके बाद से ह्यूमिड या चेरी प्लस का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं।
इस बात को आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे बात आती है कि जब पौधे हैं काले काले हो जाते हैं तो यहाँ पे थोड़े से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक दवा आती है इमीडा क्लोरोप्रिड। आप यहाँ पे इमीडा क्लोरोप्रिड का छिड़काव करेंगे तो जो मसूर के पौधे में फूल नहीं आते हैं, तो फूल आने के बाद फली आती है तो उसमें कीड़े लगते हैं, तो कीड़े के लिए आप सेंट किलर या सिल्ड्रिन ले सकते हैं, उसका आसानी से आप छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करते समय आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये त्वचा पर टच ना हुए। उसके बाद से आप छिड़काव करते समय ये भी ध्यान रखना है कि पौधे जो है मसूर के पौधे जो है वो काला काला से दिख रहा होगा, तो काला काला सा पौधा दिख रहा है तो उसमें आपको ह्यूमिड का प्रयोग करना है। ये भी बात आप आसानी से दिमाग में बैठा लें, क्योंकि जब पौधे काले काले हैं, बहुत सारे किसान भाई बोल रहे थे कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं जो पौधा या फसल अच्छा होता है उसी पे वीडियो बनाते हैं, तो किसान भाई ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे देखिए जो भी फसल लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा हुआ है और पौधे में विकास भी हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब पौधे काले काले से दिख रहे हैं और उसमें जो वृद्धि नहीं है और फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि बोरान लेना है। ध्यान रखिए आपको पहले बोरान लेना है, सल्फर 50% लेना है और जिंक 33% बोरान लेना है, उसके बाद से ये सल्फर 90% और जो जिंक है 33% इसका मिश्रण करके आप स्प्रे करें। और ये मत सोचिए कि जब आप इसको स्प्रे करेंगे और दोहरा खेती करें तो सरसों पर नुकसान होगा, इस पर सरसों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोरान और सल्फर और जो जिंक है सरसों के लिए भी लाभदायक होगा और आपका मसूर का पौधा जो काला काला सा दिख रहा है जिसमें आप बोलते हैं कि रोग लगा हुआ है और उसमें फलियाँ नहीं आ रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, जब फूल नहीं आएंगे तो फलियाँ नहीं आएंगी और पौधे काले होंगे तो उसमें विकास नहीं होगा, तो पौधे काले काले हो जाते हैं, झौंसा रोग की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल जैसा लगता है कि खेतों में आग लगा दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपका पौधा है तो आपको कार्बेंडाजाइम, मैनकोजेब, जो ये सारी जितने भी दवा आती हैं इसको आपको छिड़काव नहीं करना है, आपको बस बोरान लेना है और सल्फर 90% और जिंक जो है 33% इसका छिड़काव करना है। अगर मैं आपका फसल बिल्कुल ऐसा ग्रोथ अवस्था में है और फूल आ रहे हैं, तो फूल आ रहे हैं तो इसके लिए आपको ह्यूमिड या चेरी प्लस दोनों में से एक लेना है, उसके बाद से कार्बेंडाजाइम मैनकोजेब सरसों के फसल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप दोहरा खेती किए हुए हैं तो आप एक ही स्प्रे में दोनों का निपटारा कर सकते हैं और एक ही स्प्रे में आपको दो लाभ देखने को मिलेगा। तो किसान भाई यहाँ पे कार्बेंडाजाइम मैनकोजेब और आप चेरी प्लस ले सकते हैं या ह्यूमिड ले सकते हैं या मसूर खेती के लिए, उसके बाद से एक कीटनाशक ले लें ताकि जो भी सरसों के फलियाँ लगी हुई हैं या फूल लगे हुए हैं उस पर क्या होता है कीटनाशक कीड़े लग जाते हैं। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे भी कीड़े लगे हुए हैं और भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो बहुत सारे पौधों पर कीट लगे हुए हैं, इस कीट से निदान पाने के लिए आपको एक कीटनाशक लेना आवश्यक होगा। और यहाँ पे मसूर की खेती देखिए पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा हुआ है और यहाँ पे जो है फूल लग रहे हैं और पौधों में भी वृद्धि है। देखिए यहाँ पे ये पूर्ण रूप से ये जो है फूल को प्रभावित किया है और इस पौधे में भी फूल लगे हुए हैं तो इसको भी प्रभावित करेगा, तो इसलिए मैं एक कीटनाशक बोल रहा हूँ कि आप कीटनाशक ले सकते हैं आसानी से, कोई भी कीटनाशक मार्केट में आता है उसका लेकर छिड़काव कर सकते हैं। ताकि किसान भाई इस बात को ध्यान रखें, अगर डबल खेती किए हैं मसूर का और सरसों का तो आपको क्या करना है, कार्बेंडाजाइम मैनकोजेब ह्यूमिड ले सकते हैं या चेरी प्लस ले सकते हैं, उसमें एक कीटनाशक ले सकते हैं। कीटनाशक में मैं आपको बोला सुपर परफेक्स ले सकते हैं, सुपर बोल्ट ले सकते हैं, सेल्ड्रिन या सिगडान, इसमें आप जो दवा ये कीटनाशक जो है कीटनाशक मैं बता रहा था सेल्ड्रान सेल्ड्रीन कापर बोल्ट या सुपर परफेक्स, ये कीटनाशक है। कीटनाशक कोई भी मार्केट से एक अच्छी क्वालिटी का एक चूज कर लीजिए और उसके बाद से कार्बेंडाजाइम मैनकोजेब अब ह्यूमिड मिलाकर आप स्प्रे करेंगे तो पौधे के लिए भी सुरक्षित रहेगा, जो सरसों का फसल है उसमें जो बीज है जो फलियाँ हैं तो फलियों में बीज जो है अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, और जो मसूर की खेती है उसमें ह्यूमिड आप छिड़काव करेंगे। तो अगर मैं आप केवल मसूर की ही खेती किए हुए हैं तो आपको ये सब नहीं लेना है, आपको ह्यूमिड लेना है और कीटनाशक लेना है, ये ध्यान रखें। आपको कार्बेंडाजाइम मैनकोजेब नहीं लेना है। बहुत सारे किसान बोल रहे थे कि हम डबल खेती नहीं किए हैं केवल सरसों खेती किए हुए हैं, तो सरसों खेती किए हैं तो आपको एक कीटनाशक लेना है, कीटनाशक के बाद कार्बेंडाजाइम मैनकोजेब लेना है, उसके बाद छिड़काव कर दीजिए, ह्यूमिड नहीं लेना है। अगर आप केवल मसूर की खेती किए हुए हैं उसमें कोई फसल नहीं है तो आपको ह्यूमिड लेना है और एक कीटनाशक लेना है, यहाँ पे दो चीज़ आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका जो ह्यूमिड लेंगे तो आपका फूल लगा हुआ है जो मसूर की खेती में, तो खेतों में जो पौधे में जो लगा हुआ है मसूर का फूल लगा हुआ है तो वहाँ फली आएगी, तो फली आएंगी तो उसमें कीट लगना बिल्कुल संभव है, कीट लगेंगे तो उस कीट से आप निदान पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ह्यूमिड और एक कीटनाशक लेकर आपको आसानी से छिड़काव करना है। तो किसान भाई आपको समझ में आ गया होगा, और किसे खेती बाड़ी के संबंधित में कोई भी समस्या आपके है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं, उसका रिप्लाई के माध्यम से आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा या वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि सर जो भी आप वीडियो बनाते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, क्योंकि आप जो भी दवा बताते हैं मार्केट में मिल जाता है। अगर मैं आपको कोई भी दवा मार्केट में नहीं मिलता है तो आप बताइए कि क्या क्या है। तो आप जब मार्केट में दवा खरीदने जाते हैं तो दवा के पैकेट के पीछे आप देखे होंगे, जो मैं दवा बोलता हूँ उसका जो रासायनिक नाम होता है वो पैकेट के पीछे लिखा होता है,
तो जैसे इमिडिया क्लोरोप्यूर में बोल रहा हूँ, तो इसका जो है अलग अलग नाम से कंपनियाँ जो है अपना जो प्रोडक्ट बेचती है। तो इमिडिया क्लोरोप्यूर जो है आप जो है जो भी दवा खरीदते हैं दवा के पीछे आप देखे होंगे जो सावधानी या इसमें जो 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 मटेरियल डाला गया है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे वो मटेरियल लगाया गया है और वहाँ पे मिलाकर मिश्रित करके वहाँ पे उसका निर्माण किया गया है। तो वहाँ पे इमिडा क्लोरोप्रिड जैसे बहुत सारे किसान बोल रहे थे कि सर इमिडा क्लोरोप्रिड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे आपको मार्केट में नहीं ढूंढना है। इमिडा क्लोरोप्रिड आप जाकर दुकान पर बोलेंगे कोई भी स्टोर पर, या आप आपके नज़दीक में कोई कृषि इकाई कार्यालय है या ऑफिस है वहाँ पर जाकर बोलेंगे तो वो लोग बता देंगे कि मार्केट में कौन सा दवा इमिडा क्लोरोप्रिड के नाम से आती है। या आप मार्केट में जो भी दवा खरीद रहे हैं उसके पीछे लेबल पर देखेंगे सावधानियाँ या प्रयोग करने की विधि, इसमें कौन कौन सा रासायनिक तत्व मिला हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे तो इमिडा क्लोरोप्रिड लिखा होगा, उसको आप परचेज कर लीजिए। वहाँ पर कोई आपको कोई ऐसी घबराहट नहीं है कि नहीं वो नुकसान करेगा, ऐसी बात नहीं है। उसमें ज़्यादातर मिला होगा तो आपको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिला होगा, उस पर इमिडा क्लोरोप्रिड होगा, और वैसे नहीं होगा तो इसमें एमएलसी फायर मिला होता है, इसमें कापर बोल्ट मिला रहता है, इसमें और कोई चीज़ नहीं मिला रहता है जिसके आपको कीटनाशक का दवा तैयार किया जाता है। तो किसान भाई आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं और खेती संबंधी कोई भी जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर दीजिए, समस्या हो तो सेंड कर दीजिए, रिप्लाई के माध्यम से बता दीजिएगा या वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। तो किसान भाई आज के लेते हैं हैप्पी नाइट वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।